अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो दिस इज़ योर साइंस क्लासरूम एंड आई एम योर साइंस टीचर कशफ सजाद। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक व्हिच इज़ ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स। फर्स्टली व्हाट इज़ ऑर्गन? एज यू ऑल नो, आवर बॉडी इज कम्पोज ऑफ नंबर ऑफ सेल्स और मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स। सेम टाइप्स ऑफ सेल्स कम्बाइन टू मेक tissues combine to make our organs, and different organs combine to make our organ system. So in this book or in this chapter we will discuss various types of the organ systems, but today we are going to start nervous system. So what is nervous system? Nervous system is an organ system in our body which carries messages from one part of the body to another part and coordinates body function. Means कि nervous system एक ऐसा system है आपके body के अंदर जो एक organ से message को लेके जा रहा है दूसरे organ तक। Like आपने digestive system previous class में study किया था जिसके अंदर mouth is organ, stomach is organ and intestine is organ. All three organs are organs and they combine to make a one system which is called a digestive system. So in nervous system two organs are involved, one is brain and other is target area, wo aapka other part of the body jisko usne message convey karna hai. For example, हम डेली लाइफ से एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज द बर्निंग ऑफ योर हैंड। अगर आपका हाथ जल रहा है सो हाउ कैन यू गेट अ मैसेज दैट योर हैंड इज बर्निंग एंड यू हैव टू टेक अवे योर हैंड फ्रॉम द फ्लेम। ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेंगी? सो नर्वस सिस्टम विल हेल्प यू इन दिस एग्जाम्पल। इन दिस एग्जाम्पल अगर आपका हाथ जल रहा है सो यहाँ पे आपके पास आपको कैसे पता चलेगा कि आपने हाथ आपका जल और आपने हाथ पीछे करना है? सो आपके पास एक ऑर्गन है आपका हाथ हैंड, वहां से मैसेज लेके आएंगे नर्व्स के फॉर्म में। नर्व्स क्या होती है? एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो मैसेज लेके जा रही होती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। दैट नर्व इज कॉल्ड दैट ट्रांसमिट्स मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। वो एक ट्यूब लाइक एक हमारे पास नर्व होती है जो ट्रांसमिट कर रही है मैसेज को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। अब जो नर्व्स हैंड से ये मैसेज लेके जा रही हैं ब्रेन के पास कि हैंड इज बर्निंग नाउ, सो ब्रेन क्या करेगा उस मैसेज को रिसीव करने के बाद एक मैसेज कन्वे करेगा इन अदर टाइप ऑफ न्यूरॉन के थ्रू। वहां से क्या होगा कि वहां एक अनदर टाइप ऑफ नर्व वहां से क्या करेगी, मैसेज लेके आएगी टूवर्ड्स द फिंगर और टूवर्ड्स द हैंड कि आपका हाथ जल रहा है, नाउ यू कैन टेक इट अवे फ्रॉम द फ्लेम कि आप अपना हाथ पीछे कर लें। सो ये मैसेज किसके थ्रू कन्वे हो रहा है? नर्वस सिस्टम के थ्रू। सो दिस इज ऑल ड्यू टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो इसमें क्या कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं? स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, दैट दीज टू कंबाइन टू मेक अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज अ पोर्शन ऑफ ब्रेन, ये सारा आपके पास ब्रेन है एंड दिस इज कॉल्ड अ स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंबाइन टू मेक अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट इज अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ द नर्व्स दैट कनेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी जो ट्यूब लाइक प्रोजेक्शंस आपकी पूरी बॉडी में जो नर्व्स प्रेजेंट हैं वो आपके ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करती हैं टू एवरी पार्ट ऑफ द और टू एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। इसमें आपके पास शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हैं CNS। CNS मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वाइल PNS स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो वी विल नाउ डिस्कस व्हाट